गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम डिस्कस कर रहे थे टॉप डाउन पार्सिंग को, जिसमें हम प्रिडिक्टिव पार्सिंग देख रहे थे। तो टॉप डाउन पार्सिंग में तीन बातें हैं जो कि किसी भी कंटेक्स्ट-फ्री ग्रामर के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर वन होता है कि कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो उसमें लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड बात क्या होती है कि कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होनी चाहिए। और जो तीसरी बात ये होती है कि कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है उस वो ग्रामर जो है एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। तो इनके बारे में पहले बताया गया था कि लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है, लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है और फिर इसको कैसे रिमूव करते हैं। इसके बाद आपको टॉप डाउन पार्सिंग में जो आपका प्रिडिक्टिव पार्सिंग है उसको हम देख रहे थे, जिसमें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि प्रिडिक्टिव पार्सिंग में कैसे हम पार्स ट्री बनाते हैं किसी भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से। तो किसी भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से अगर हमको पार्स ट्री बनाना है तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि प्रिडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम लगाने के पहले प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल पहले बनाते हैं। और प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक लगाते हैं, एल्गोरिथम लगाते हैं और किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से हम पार्स ट्री बनाते हैं। तो इसमें बात ये आई कि हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाएंगे। तो जो टेबल बनाते हैं उसमें दो चीजें हमको आनी चाहिए किसी भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में, एक होता है आपका फर्स्ट और एक होता है फॉलो। जिसमें आपको फर्स्ट क्या होता है ये बातें आपको प्रीवियस क्लास में बताई जा चुकी हैं। फर्स्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं, उसके कुछ रूल्स थे वो भी बताए जा चुके हैं, एग्जाम्पल भी आपको बता दिया गया है। आज हम देखेंगे, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी ग्रामर दिया गया है, कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया गया है तो उसमें हम फॉलो को कैसे कंप्यूट करते हैं, फॉलो क्या होता है और किसी भी ग्रामर में फॉलो किसी भी सिंबल का निकालना हो तो उसके लिए कौन से रूल हैं, कैसे कैसे स्टेप्स हैं, उसको हम कैसे करेंगे। पहले हम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम एग्जांपल की हेल्प से फॉलो निकालना सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी जब हम फॉलो निकालेंगे तो फर्स्ट हमको निकालने आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट की जरूरत पड़ती है फॉलो निकालने में। इसीलिए हमने पहले किसी भी सिंबल का फर्स्ट निकालना आपको बताया था। और किसी भी सिंबल का आप फर्स्ट अगर निकालते हैं तो वो या तो टर्मिनल आएगा या तो आपका नल आएगा। वेरिएबल को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, स्पेशल सिंबल भी आ सकते हैं, जैसे कॉमा हो गया, ओपन पैरेंथेसिस हो गया, क्लोज पैरेंथेसिस हो गया। वेरिएबल कभी भी फर्स्ट में नहीं आता है, ये हमने कल भी देखा था और कल भी बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉलो क्या होता है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और फॉलो की हेल्प से ही हम प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी की हेल्प से। कैसे करते हैं, जब हम फॉलो निकालना सीख लेंगे तब हम टेबल बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फॉलो क्या होता है। गुड मॉर्निंग। फॉलो ऑफ ए, अगर कहा जाए फॉलो ऑफ ए तो फॉलो ऑफ ए क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट मे फॉलो इमीडिएटली, to the right of a, क्या मतलब है, अगर किसी भी सिंबल का हम फॉलो निकालते हैं तो प्रोडक्शन के राइट साइड में वो सिंबल जहां पे है, सपोज हमने फॉलो ऑफ ए निकाला तो हम प्रोडक्शन के राइट साइड में फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे कि कहां कहां ए आया है।
और जहां ए होगा उसके आगे जो दिखे लिखा गया ना, सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट मे फॉलो इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए, प्रोडक्शन के राइट साइड में जहां भी ए होगा उसके इमीडिएटली राइट साइड में जो भी सिंबल आएंगे उससे हम उसको बोलते हैं फॉलो, और वहां से हम फॉलो कंप्यूट करेंगे उसी की हेल्प से। ठीक है, तो रूल क्या है, रूल्स टू फाइंड चलिए इसको एक बार मिटा देते हैं, सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट में फॉलो इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए, ये आई थिंक क्लियर हो गया। इसके बाद हम रूल लिखते हैं क्या होता है, फिर हम उसको देखते हैं। रूल्स टू फाइंड फॉलो ऑफ एनी वेरिएबल, रूल्स टू फाइंड फॉलो ऑफ एनी वेरिएबल्स क्या होते हैं रूल, पहले उसको लिख ले रहे हैं। इफ एक्स इज स्टार्ट सिंबल, इफ एक्स इज स्टार्ट सिंबल देन फॉलो ऑफ एक्स इज इक्वल टू डॉलर, देन फॉलो ऑफ एक्स इज इक्वल टू डॉलर। ठीक, नंबर इफ एक्स डिराइव्स, एक्स डिराइव्स यू ए डब्ल्यू देन फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू देन फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ डब्ल्यू, सेकेंड केस। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस क्या होता है, इफ एक्स डिराइव्स यू ए आर एक्स डिराइव्स यू ए डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डिराइव्स लैम्डा देन फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एक्स, फॉलो ऑफ एक्स, ये आपके तीन रूल हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी सिंबल का फॉलो कैलकुलेट करते हैं। क्या है ये रूल, इसको हम देखते हैं समझते हैं। फर्स्ट रूल ये है, इफ एक्स इज स्टार्ट सिंबल देन फॉलो ऑफ एक्स इज इक्वल टू डॉलर, कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर जो स्टार्ट सिंबल है, जो स्टार्ट वेरिएबल है, और उसका अगर हम फॉलो निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट डॉलर ही होगा। ठीक है, क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ एक्स डिराइव्स यू ए डब्ल्यू, इफ एक्स डिराइव्स यू ए डब्ल्यू देन फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ डब्ल्यू। हमने फॉलो के डेफिनेशन में बताया था कि जो भी सिंबल प्रोडक्शन के राइट साइड में आता है उसके जस्ट इमीडिएटली राइट वाला जो भी सिंबल होता है वो उसका फॉलो होता है। तो देखिए x इज इक्वल टू यू ए डब्ल्यू है, अगर हम a का फॉलो निकालते हैं तो उसके आगे आपका क्या है, w है, तो फर्स्ट ऑफ w हो जाएगा। अभी एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। ठीक, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस क्या कहता है, इफ x डिराइव्स यू ए, या तो ये हो और x derives u a w and w derives lambda, एक तरह से दोनों बात सेम ही हुई। यहां देखिए u a है, यहां पे क्या है, u a w है and w derives lambda, मतलब यहां w की जगह अगर आप lambda रख दो तब भी हो जाएगा x tends to u a, तो एक तरह से देखा जाए दोनों केस सेम ही है। ठीक है, then follow of a is equal to, then follow of a मतलब a का हम follow निकाल लें, इसके right side में कुछ नहीं है, या फिर राइट साइड में w है बट w डिराइव क्या कर रहा है लैम्डा, देन फॉलो ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फॉलो ऑफ x। देखिए फॉलो ऑफ a इज इक्वल टू फॉलो ऑफ x,
यहाँ पे फॉलो ऑफ एक्स डॉलर है, तो जो जो जैसा होगा उसको हम देख लेंगे। तो बेसिकली ये आपके तीन रूल हैं जिसके बेस पे हम फॉलो कंप्यूट करते हैं, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। x टेंड्स टू क्वेश्चन, x टेंड्स टू a b e, a b e एंड b टेंड्स टू c d, ठीक है। तो अगर हमको कंप्यूट करना है क्या, फॉलो ऑफ x कंप्यूट फॉलो ऑफ x a एंड b, ठीक। क्या करना है हमको, x a और b का हमको फॉलो कंप्यूट करना है। हम पहले भी बता चुके हैं कि हम टॉप डाउन पार्सिंग में पहले अगर लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग या एम्बिग्यूटी है तो हम उसको रिमूव करके ही कुछ आगे कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा टॉप डाउन का ही पार्ट है, फर्स्ट निकालते थे जैसे वैसे ही फॉलो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी इन तीनों चीजों को चेक करेंगे, यहाँ पे ना तो लेफ्ट रिकर्शन है, ना ही लेफ्ट फैक्टरिंग है, ना ही एम्बिग्यूटी है, तो हमको रिमूव करने की कुछ भी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही है। तो हम सिंपली आगे क्या करेंगे, फॉलो निकालना शुरू करेंगे। फॉलो ऑफ एक्स ए एंड बी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉलो ऑफ एक्स, फॉलो ऑफ एक्स कंप्यूट करेंगे। तो आपका एक्स क्या है, आपका आप बाय डिफॉल्ट मान लेते हो कि जो भी पहला प्रोडक्शन होता है, पहला सिंबल होता है, वो आपका स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट सिंबल। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टार्ट सिंबल क्या होगा, एक्स। तो एक्स अगर स्टार्ट सिंबल है तो उसका फॉलो क्या होगा, डॉलर। कहीं और एक्स है क्या प्रोडक्शन के राइट साइड में, जी नहीं, कहीं नहीं है। अगर कहीं और होता तो फिर डॉलर के साथ साथ जहां होता उसके अकॉर्डिंग फिर उसके इमीडिएटली राइट साइड में जो भी चीजें होती उसका हम देखते कहां पे है, और तो इन दोनों में से भी कोई कंडीशन हो सकती थी, सेकंड या थर्ड में से भी कोई अप्लाई करनी पड़ती। आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, यहाँ पे सिर्फ एक्स आपका यहाँ पे है और जो कि स्टार्ट सिंबल है, तो फॉलो ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, डॉलर। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए का क्या है, आप एक्स आपका स्टार्ट सिंबल है तो ए को आप चेक करेंगे कहाँ कहाँ है, ए क्या है यहाँ पे है, इसके आगे क्या है बी ई, तो क्या करेंगे, फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ बी ई, उसके आगे ए के आगे जो भी होगा उसका हम फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ बी ई, फर्स्ट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा, आप कंप्यूट करो, फर्स्ट ऑफ बी इज इक्वल टू सी एंड डी, ठीक भाई, फर्स्ट ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ सी यूनियन फर्स्ट ऑफ डी देन सी एंड डी, सी का डी, ये आपको बताया जा चुका है। ये हो गया आपका फॉलो ऑफ ए, ये आपका क्या हो गया फॉलो ऑफ ए, ये आपका क्या था फॉलो ऑफ एक्स। अब आप क्या निकालेंगे, फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी, अब प्रोडक्शन के राइट साइड में देखेंगे बी कहां पे है, बी आपका ये रहा, इसके आगे क्या है ई है, तो क्या करेंगे बी के आगे जो नेक्स्ट इमीडिएटली राइट साइड में है उसका हम फर्स्ट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ई, फर्स्ट ऑफ ई, ई आपका क्या है टर्मिनल है, तो टर्मिनल सिंबल का कभी भी फर्स्ट निकालते हैं तो वो खुद उसका फर्स्ट खुद इट्स वो टर्मिनल सिंबल ही होता है, तो फर्स्ट ऑफ ई इज इक्वल टू ई, देन फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, दिस इज योर फॉलो ऑफ बी, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमको ये सेट ऑफ प्रोडक्शन दिए गए थे, इसमें हमको फॉलो ऑफ एक्स निकालना था, फॉलो ऑफ ए निकालना था एंड फॉलो ऑफ बी निकालना था, जिसको हमने निकाला, ठीक। आई थिंक ये सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं,
सेकंड एग्जांपल, प्रोडक्शन लिखते हैं, x टेंड्स टू a b e c d e लैम्डा, कुछ इसी तरह से है, x टेंड्स टू a b e एंड b टेंड्स टू c d e लैम्डा, ठीक है। ये प्रोडक्शन पिछले की तरह है, इसे एग्जांपल की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे b में और दो प्रोडक्शन ऐड कर दिए। अब इसको हम चेक करते हैं, सबसे पहले कोई लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग या एम्बिग्यूटी, तो तीनों चीजें यहां पे नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, फॉलो कंप्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि सबसे इजी ये है कि फॉलो निकालने के पहले आप फर्स्ट भी निकाल लें। रीजन क्या है कि फॉलो निकालने में फर्स्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप चाहें तो पहले फर्स्ट निकाल लें, उसके बाद देन फॉलो कंप्यूट करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू हैव बोथ ऑप्शंस। यहां पे हमको क्या करना है, कंप्यूट व्हाट, फॉलो ऑफ एक्स ए एंड बी, ठीक, एक्स ए एंड बी का हमको फॉलो कंप्यूट करना है। चलिए फॉलो ऑफ एक्स देखते हैं। एक्स आपका क्या है, स्टार्ट सिंबल है, स्टार्ट सिंबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, डॉलर। कहीं और एक्स है, जी नहीं, कहीं प्रोडक्शन के राइट साइड में और कहीं भी एक्स नहीं है, तो सिंपल फॉलो ऑफ एक्स इज इक्वल टू डॉलर हो गया। देन आप क्या करोगे, फॉलो ऑफ ए कंप्यूट करोगे, फॉलो ऑफ ए कंप्यूट करोगे, तो ए चेक करोगे कि कहां पे है, ए आपका यहां है, इसके इमीडिएटली साइड में, राइट साइड में क्या है, बीई, देन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ BE, ठीक, फर्स्ट ऑफ BE करेंगे। अगर हम फर्स्ट ऑफ B कंप्यूट करें तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट ऑफ B अगर हम कंप्यूट करें यहां पे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ B इज इक्वल टू CDE लैम्डा, क्या हो जाएगा, CDE लैम्डा, मैं पहले बता चुका हूं, इसकी वजह से बेसिकली ये B जो है चार प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी वजह से C हो गया, इसकी वजह से D हो गया, इसकी वजह से C हो गया, और लैम्डा की वजह से लैम्डा। Then first of B is equal to क्या हो गया, CDE lambda। तो अगर हम first of BE निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, first of B आपका CDE lambda हो गया, क्योंकि B में क्या आ रहा है, आपका lambda आ रहा है, आपका जो first निकालने का सबसे last वाला केस था, second का third point जो था वही हो रहा है, क्या हो जाएगा, first of B minus lambda, इसमें B में से अगर B के first में lambda आ गया तो lambda को माइनस कर देते हैं और फिर उसके आगे जो रहता है उसका हम फर्स्ट निकालते हैं, यूनियन फर्स्ट ऑफ ई। अगर सपोज यहां पे ई नहीं होता तब क्या होता, तो भाई फर्स्ट ऑफ बी में जो आता वो आता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी सी डी ई लैम्डा, माइनस कर देंगे लैम्डा तो क्या हो जाएगा, सी डी ई यूनियन फर्स्ट ऑफ ई इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी ई। फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू सी डी ई, ठीक, फॉलो ऑफ ए आपका यहां पे, सॉरी फॉलो ऑफ ए आप एक्स इज इक्वल टू कंप्यूट हुआ था, ये आपका हो गया फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू सी डी ई। अब क्या करेंगे, फॉलो ऑफ बी कंप्यूट करेंगे, ठीक, देखते हैं फॉलो ऑफ बी अगर कंप्यूट करते हैं, बी आपका सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है, तो इसके राइट साइड में क्या है, इमीडिएटली राइट साइड में ई है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ई, फर्स्ट ऑफ ई इज इक्वल टू ई आपका क्या है, टर्मिनल है, तो किसी भी टर्मिनल का फर्स्ट वो खुद ही हो जाता है, तो ई का क्या हो जाएगा, ई, देन फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू ई। आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन, इसमें और इसमें सिर्फ ये दो प्रोडक्शन इसमें एक्स्ट्रा हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा फॉलो ऑफ ए इसमें सी और डी आया था, इसमें सी डी और ई आया। एक बात देखिए, फर्स्ट में तो लैम्डा आ जा रहा है लेकिन कभी नल आ जा रहा है, बट कभी भी किसी भी सिंबल का अगर हम फॉलो निकालते हैं तो उसमें नल नहीं आएगा।
कहने का मतलब क्या है, जब हम फर्स्ट निकालते थे तो उसमें किसी भी सिंबल का अगर हम फर्स्ट निकालते हैं तो उसमें नल आ सकता है, कोई भी टर्मिनल सिंबल आ सकते हैं, कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे ओपन पैरेंथेसिस कॉमा एट द रेट आ सकता है। मतलब कहने का क्या है कि अगर हम फर्स्ट निकालते हैं तो कोई भी वेरिएबल छोड़ के कुछ भी आ सकता है, नल भी इंक्लूडिंग नल। बट जब हम फॉलो निकालते हैं तो उसमें सब कुछ फर्स्ट की तरह ही होता है, सब कुछ आ सकता है। लेकिन फर्स्ट निकालने में सिर्फ वेरिएबल नहीं आता था किसी भी सिंबल का फर्स्ट, यहाँ पे फॉलो में नल भी नहीं आता है। अगर कहीं भी आप किसी भी सिंबल का फॉलो कैलकुलेट करते हो और वहां पे नल आता है तो समझ लो आप कहीं ना कहीं कोई गलती आपसे हुई है। तो ये आपको चेक करने का एक तरीका होगा, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। एक एग्जाम्पल है आपका S tends to this and L tends to L comma S oblique S, ठीक है। यहां पे हमको फॉलो कंप्यूट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे लेफ्ट रिकर्सन लेफ्ट फैक्टरिंग एम्बिग्यूटी को। तो यहाँ पे कल मैं जब प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था इस एग्जांपल को लेके फर्स्ट कंप्यूट करना, तो वहाँ पे क्या हमने किया था, लेफ्ट रिकर्शन था तो उसको हमने रिमूव किया। यहाँ पे देखिए लेफ्ट रिकर्शन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन। लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट तो आपका एज इट इज रहेगा और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, देन क्या हो जाएगा, एस एल डैश एंड एल डैश टेंड्स टू कॉमा एस एल डैश ऑब्लिक नल। अब आपका क्या हो गया, लेफ्ट रिकर्शन रिमूव हो गया। अब फिर क्या करेंगे, लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम फर्स्ट कंप्यूट करेंगे। मैं डायरेक्टली कंप्यूट करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है और आपको फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी फॉलो निकालने में। तो फर्स्ट ऑफ एस आपका क्या हो जाएगा, ओपन पैरेंथेसिस एंड ए, ठीक। फर्स्ट ऑफ एल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ओपन पैरेंथेसिस एंड ए। देन फर्स्ट ऑफ L डैश क्या हो जाएगा, कॉमा एंड नल। ये आपका क्या हो गया कि S, L एंड L डैश का फर्स्ट हो गया। कैसे ये कंप्यूट हुआ है आपको प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है। मैंने बोला ना कि जब आपको बड़े प्रॉब्लम आएंगे, बड़े बड़े ग्रामर देंगे, बड़े मतलब प्रोडक्शंस ज्यादा होंगे तो आपको पहले फर्स्ट कंप्यूट करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट कंप्यूट करके करेंगे तो फॉलो अप उसके बाद कंप्यूट करेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाता है। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम फॉलो कंप्यूट करते हैं। फॉलो ऑफ एस, चलिए फॉलो ऑफ एस अगर कंप्यूट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे तो एस आपका क्या है, स्टार्ट सिंबल है। तो स्टार्ट की वजह से फॉलो ऑफ एस क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। इसके बाद क्या चेक करेंगे, एक चीज और थोड़ा सा इसको अल्फा और बीटा हटा दें तो थोड़ा सा चीजें और सही रहेंगी। एल कॉमा एस ऑब्लिक एस, ठीक। चलिए फॉलो ऑफ एस, एस आपका स्टार्ट है तो आपका क्या हो गया, फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू डॉलर यूनियन। आपका एस यहां पे भी है, एस यहां पे भी है।
इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें नहीं, इसमें हमको देखना है ना। अब तो मेरा ग्रामर ये हो गया है ना रिमूव करने के बाद, तो चलिए एस आपका क्या स्टार्ट है, इसकी वजह से हमारा डॉलर हो गया। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि एस कहाँ कहाँ पे है, एस आपका कहाँ है, यहाँ पे है, एस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वजह से एस के आगे क्या है आपका एल है, एल डैश है, तो क्या हो जाएगा यूनियन फर्स्ट ऑफ एल डैश, फर्स्ट ऑफ एल डैश। अब आप देखें इस एस की वजह से भी क्या हो जाएगा, इमीडिएटली राइट साइड में क्या है एल डैश है, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ एल डैश हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ एल डैश कंप्यूट करते हैं। अभी हम इसी केस को लेके चलते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ एल डैश अगर हम करते हैं, चलिए देखते हैं डॉलर यूनियन। देखिए फर्स्ट ऑफ एल डैश आपका क्या है, ये आपका कॉमा एंड डॉलर, देखिए ये वाला केस हो रहा है यू ए डब्ल्यू एंड डब्ल्यू टेंड्स टू लैम्डा। तो यहां पे देखिए एल डैश है और एल डैश क्या डिराइव कर रहा है आपका लैम्डा भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा फॉलो ऑफ एल डैश इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एल हो जाएगा। तो यूनियन क्या हो जाएगा फॉलो ऑफ एल। अब फॉलो ऑफ एल पहले कंप्यूट करेंगे तब हम यहां पे वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, चलिए हम फॉलो ऑफ एल कंप्यूट कर ले पहले। फॉलो ऑफ एल देखिए प्रोडक्शन के राइट साइड में कहां कहां एल है, सिर्फ यहां पे है, इसके इमीडिएट राइट साइड में क्या है क्लोज पैरेंथेसिस इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ क्लोज पैरेंथेसिस, तो क्या हो जाएगा फॉलो ऑफ एल इज इक्वल टू क्लोज पैरेंथेसिस, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे डॉलर यूनियन फॉलो ऑफ एल क्या हो गया क्लोज पैरेंथेसिस। तो फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू, अच्छा फॉलो ऑफ एल डैश भी पहले निकाल लें, फॉलो ऑफ एल डैश अभी कम, फॉलो ऑफ एल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉलो ऑफ एल डैश इज इक्वल टू आपका एल डैश है, इसके इमीडिएट राइट साइड में कुछ नहीं, तो फॉलो ऑफ एल डैश इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एल, फॉलो ऑफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉलो ऑफ एल आपका क्लोज पैरेंथेसिस, और यहां पे फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू डॉलर कॉमा क्लोज पैरेंथेसिस। एक बात और आपको बता दें, अगर हम यहां पे जब हम फॉलो ऑफ एस निकाल रहे थे तो एस आपका यहां पे भी हो रहा था और एल डैश इसकी वजह से भी क्या हो रहा था फॉलो ऑफ एल, फॉलो ऑफ एस में फॉलो ऑफ एल डैश भी आ रहा था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए हम फॉलो ऑफ एस बाद में फिर रिपीट दोबारा निकालते हैं, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, हम आराम से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉलो ऑफ एल और फॉलो ऑफ एल डैश तो आई थिंक सबका क्लियर होगा। अब हम बेसिकली देखते हैं फॉलो ऑफ एस, वो कहीं मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू एस आपका क्या है स्टार्ट है, तो क्या हो जाएगा डॉलर हो जाएगा, इसकी वजह से डॉलर हो जाएगा यूनियन आपका एस यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, क्या हो जाएगा इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ एल डैश, और इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ एल डैश, तो क्या हो जाएगा यूनियन फर्स्ट ऑफ एल डैश। देन फर्स्ट ऑफ एल डैश जब हम कंप्यूट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ एल डैश क्या है आपका कॉमा एंड नल, कॉमा वहां पे छूट गया था एक्चुअली, यूनियन यहां पे क्या हो जाएगा कॉमा और यूनियन। देखिए क्यों, क्योंकि जब हम इसकी वजह से यहां पे क्या निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑफ एल डैश निकाल रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है कॉमा एंड नल, तो कॉमा तो हो जाएगा बट नल को हम नहीं लिखते हैं, क्लियर होगा हम पहले भी बता चुके हैं। फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ एल डैश जो कि कॉमा एंड नल है, तो जो नल होगा उसको रिमूव कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ एल डैश माइनस नल यूनियन फॉलो ऑफ एल, देन फॉलो ऑफ एल क्या हो जाएगा
बेसिकली ये जो स्टेप है, आइए इसको मैं दो स्टेप में कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो किसी को। यूनियन फर्स्ट ऑफ एल डैश माइनस लैम्डा यूनियन फॉलो ऑफ एल डैश। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट ऑफ एल डैश हम कंप्यूट कर रहे हैं और उसमें नल आ रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, हम नल को रिमूव कर देते हैं और आगे फिर उसके फॉलो ऑफ एल डैश इस रूल के अकॉर्डिंग कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से डॉलर हो गया और फर्स्ट ऑफ एल डैश यूनियन क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ एल डैश आप देखिए कॉमा एंड नल है, नल को लिखेंगे नहीं, कॉमा हो गया, और फॉलो ऑफ एल डैश यूनियन करेंगे तो फॉलो ऑफ एल डैश आपका क्या आ गया है, क्लोज पैरेंथेसिस यूनियन क्लोज पैरेंथेसिस इज इक्वल टू क्या हो गया, डॉलर कॉमा एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ये हो गया आपका फॉलो ऑफ एस। अगर हम इस वाले एस को भी कंसीडर करेंगे तो आप देखिए सेम चीजें होंगी, फॉलो ऑफ, ये फॉलो ऑफ एल होगा नॉट एल डैश होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से एल डैश हुआ और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ एल डैश। अगर आप चाहें तो यहां एक और बढ़ा सकते हैं, यूनियन फॉलो ऑफ एल डैश, तो फॉलो ऑफ एल और फॉलो ऑफ एल डैश देखिए दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में तो आपको इसके आगे फॉलो ऑफ एल डैश भी बढ़ा देना है क्योंकि यहाँ की इसकी वजह से इस प्रोडक्शन में जो ऐसा आया है इसकी वजह से एल डैश का फर्स्ट निकालेंगे उसमें भी नल आएगा, तो हम फिर क्या करेंगे, फॉलो ऑफ एल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे यूनियन करके एक और लिख सकते हैं, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कई सारे केसेस को हम देख लिए जिसमें हम फर्स्ट भी निकाले थे प्रीवियस क्लास में, और इसी में हमने सबसे पहले इसमें लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना सिखाया था जब हम लेफ्ट रिकर्शन के देख रहे थे, फिर फर्स्ट निकालना हमने देखा और आज हमने इसको भी फॉलो निकालना भी देखा। ठीक, इसके बाद हम जो है एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई टेंड्स टू ई प्लस टी ऑब्लिक टी, टी टेंड्स टू टी एस टिक एफ ऑब्लिक एफ, एफ टेंड्स टू इन ब्रैकेट ई ऑब्लिक आई डी। ये क्वेश्चन है, इसमें हमको फॉलो कंप्यूट करना है, अगर फॉलो निकालना है तो क्या करेंगे, व्हाट हाउ टू डू ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग और एम्बिग्यूटी। यहाँ पे देखिए आपका लेफ्ट रिकर्शन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, e tends to e plus t है, t tends to t s t f है, दोनों प्रोडक्शन में क्या है आपका लेफ्ट रिकर्शन है, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, आपको पहले भी बताया जा चुका है सेम एग्जांपल, तो क्या करेंगे, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन, तो क्या हो जाएगा, e tends to t e dash tends to plus t e dash oblique null, फिर इसमें से रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, t tends to ft dash t tends to asterisk ft dash oblique lambda and then ये वाला as it is रहेगा f tends to this and id। अब आपका ग्रामर ये हो गया लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के बाद, अब हम क्या करेंगे, हमने पहले भी बताया है कि आप कभी भी फॉलो निकाल लो तो उसके पहले आप कोशिश करो कि फर्स्ट कंप्यूट कर लो, तो वही चीज है, फर्स्ट हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कैसे कंप्यूट करेंगे, देख लेते हैं डायरेक्टली, फर्स्ट ऑफ ई क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या होगा, फर्स्ट ऑफ टी क्या होगा, फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या होगा एंड फर्स्ट ऑफ एफ क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ एफ आपका आया था, मैंने बताया था ओपन पैरेंथेसिस एंड आईडी, कैसे आया था बताया जा चुका है प्रीवियस क्लास में, हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक एंड लैम्डा, फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा,
प्लस एंड लैम्डा। फर्स्ट ऑफ टी क्या हो जाएगा, ओपन पैरेंथेसिस एंड आईडी। फर्स्ट ऑफ ई भी क्या हो जाएगा, ओपन पैरेंथेसिस एंड आईडी। ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक, जो कि हम कैसे ये कंप्यूट हुआ, ये कैसे फर्स्ट आया है हम प्रीवियस के लेक्चर में बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम निकालते हैं फॉलो, फॉलो ऑफ ई। चूंकि आपका जो ई है ये आपका स्टार्ट सिंबल है, तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट डॉलर हो जाएगा, ठीक। अब डॉलर करने के बाद हम चेक करेंगे कहीं प्रोडक्शन के राइट साइड में कहीं ई आया है, इसमें नहीं आया, इसमें भी, इसमें भी, यहां पे आया है ई, ये ई है आपका। तो ई के आगे नेक्स्ट क्या, इमीडिएट राइट साइड में क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस, तो उसका क्या करेंगे, फर्स्ट निकालेंगे, यूनियन फर्स्ट ऑफ क्लोज पैरेंथेसिस, देन फर्स्ट ऑफ क्लोज पैरेंथेसिस इज इक्वल टू क्लोज पैरेंथेसिस, देन डॉलर, और इसको यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉलर क्लोज ब्रैकेट। ये हो गया आपका फॉलो ऑफ ई, क्लियर। देन फॉलो ऑफ ई डैश निकालते हैं, ठीक। फॉलो ऑफ ई डैश अगर आप निकालते हैं तो देखिए आपका ई डैश कहां कहां पे है, आपका ई डैश यहां पे है, यहां पे भी है। तो पहले इसको देखते हैं, तो ये आपका केस नंबर, ये थर्ड है, अप्लाई होगा ये वाला, x टेंड्स टू यू ए, ए है, ए का फॉलो निकालना और ए के बाद कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, फॉलो ऑफ ई डैश इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ई, तो क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ई डैश इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ई। और कहीं ई डैश है, हाँ है, यहां पे है, तो इसकी वजह से भी आपका क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ई डैश, उसका कोई मतलब नहीं, तो आपका फॉलो ऑफ ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, डॉलर एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, हम फॉलो ऑफ टी निकालेंगे, फॉलो ऑफ टी अगर हम कंप्यूट करते हैं तो ये रहा टी। अब टी देखेंगे प्रोडक्शन के राइट साइड में कहां कहां है, टी आपका एक यहां पे है, एक यहां पे है, बस दो जगह, तो फॉलो ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ई डैश, एंड फर्स्ट ऑफ ई डैश इज इक्वल टू क्या है, आप देखिए भाई, इस टी की वजह से भी इमीडिएटली राइट साइड में ई डैश है, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश करेंगे, इसमें भी इमीडिएटली राइट साइड में क्या ई डैश है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ई डैश करेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ई डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ई डैश फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है, आप देखिए फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है, प्लस कॉमा लैम्डा, क्योंकि ई डैश आपने कल लैम्डा प्रोड्यूस कर रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ई डैश में प्लस को लिखेंगे और लैम्डा को नहीं लिखेंगे, और यूनियन क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ये हो जाएगा प्लस यूनियन फॉलो ऑफ, चूंकि हमारा देखिए इसमें क्या हो रहा था, अगर W डिराइव कर रहा है लैम्डा को तो क्या कर रहा है, फॉलो ऑफ A इज इक्वल टू फॉलो ऑफ X हो जा रहा है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा E डैश है, E डैश का फर्स्ट हमारा क्या आया है, E डैश आपका क्या डिराइव कर रहा है, लैम्डा, ठीक, प्लस तो लिख लेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑफ E डैश इज इक्वल टू प्लस एंड लैम्डा है, तो प्लस तो आपका E डैश का जो इसकी वजह से फर्स्ट है वो तो लिख लेंगे, बट इसकी वजह से क्या है, लैम्डा है, तो फर्स्ट ऑफ E डैश यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो ऑफ E कर देंगे, तो फॉलो ऑफ E कर देंगे, और सिमिलरली अगर यहाँ पे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ई डैश करेंगे प्लस और लैम्डा है तो लैम्डा नहीं लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फॉलो ऑफ ई डैश करेंगे, फॉलो ऑफ ई और फॉलो ऑफ ई डैश सेम है, देखिए ये और ये, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही लिखें, तो क्या हो जाएगा, प्लस और फॉलो ऑफ ई क्या है, डॉलर एंड क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक, अब आप देखेंगे फॉलो ऑफ टी डैश, फॉलो ऑफ टी डैश देखेंगे, सिमिलरली टी डैश आपका यहां पे है, यहां पे है, फॉलो ऑफ टी डैश है, इसके इमीडिएट राइट साइड में कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ T,
टी हो जाएगा। तो फॉलो ऑफ टी आपका क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ टी आपने यहां पे कंप्यूट किया है तो क्या हो जाएगा, प्लस डॉलर एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ये हो गया आपका फॉलो ऑफ टी डैश। ई हो गया ई डैश हो गया, टी हो गया टी डैश हो गया, आप निकालेंगे एफ का फॉलो ऑफ एफ, फॉलो ऑफ एफ, फॉलो ऑफ एफ कंप्यूट करेंगे तो आप देखो यहां पे है एफ तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ टी डैश, और इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ टी डैश। पहले हम इसकी वजह से देखते हैं, क्योंकि टी और टी डैश का फॉलो सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक को भी कंसीडर करेंगे तो बात एक ही आएगी, अगर दोनों को भी करेंगे तो भी कोई आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। खैर हम पहले इसको देखते हैं, फॉलो ऑफ एफ इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ टी डैश अगर हम कंप्यूट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ टी डैश आप देखो एस्ट्रिक एंड नल आ रहा है, तो क्या करेंगे एस्ट्रिक लिखेंगे नल रिमूव करेंगे और फिर फॉलो ऑफ टी करेंगे तो क्या हो जाएगा एस्ट्रिक, जैसे यहां पे किया था यूनियन फॉलो ऑफ, इसकी वजह से क्या हो जाएगा टी। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर हम फर्स्ट ऑफ टी डैश कंप्यूट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या है एस्ट्रिक कॉमा नल, तो क्या करेंगे नल नहीं लिखेंगे एस्ट्रिक को लिखेंगे और फिर फॉलो ऑफ टी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बिकॉज दिस रूल सेज दैट W derives lambda and here T dash derives null, then this case will be applicable over here। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका asterisk और union follow up T क्या है plus dollar and close parenthesis, finally क्या मिल जाएगा हमको asterisk plus dollar and close parenthesis, ये हो गया आपका फॉलो ऑफ एफ, राइट। तो आई थिंक यहां पे लगभग सारे केसेस फॉलो के हमने देख लिए, इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट भी निकालना बताया था और यहां पे हमने फॉलो निकालना भी बता दिया। ठीक, तो चलिए चलिए एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं फॉलो निकालने का, कैसे फॉलो हम कंप्यूट करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है टेबल बनाना सीखेंगे, कैसे हम टेबल बनाएंगे किसी भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए, इस फर्स्ट फॉलो की हेल्प से कैसे हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाएंगे उसको हम उसके बाद देखेंगे। पहले हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं फॉलो कंप्यूट करने का, ठीक है, उसके बाद फिर हम टेबल बनाना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, एस टेंड्स टू ए सी बी ऑब्लिक CBB oblique BA, then A tends to DABC, then B tends to G oblique null, C tends to H oblique null। ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमको फॉलो निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे चेक करेंगे कोई लेफ्ट रिकर्शन तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी लेफ्ट रिकर्शन किसी भी प्रोडक्शन में नहीं है, तो फर्स्ट फॉलो कंप्यूट करने के पहले हम फर्स्ट कंप्यूट करते हैं, देन क्या करेंगे first of s, first of a, first of b, then first of c। तो क्या करेंगे पहले फर्स्ट ऑफ सी कंप्यूट करते हैं, फर्स्ट ऑफ सी इज इक्वल टू
एच कॉमा लैम्डा हो जाएगा। फर्स्ट अब भी क्या हो जाएगा, जी एंड लैम्डा हो गया। फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा फर्स्ट ऑफ डी यूनियन फर्स्ट ऑफ बी सी। तो फर्स्ट ऑफ डी क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा डी, और इधर कंप्यूट करेंगे, फर्स्ट कंप्यूट करना आपको पहले बताया जा चुका है। अगर हम यहां पे कंप्यूट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ दिस यूनियन फर्स्ट ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ दिस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ बी सी निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ बी क्या है आपका, जी कॉमा लैम्डा है, तो बी के फर्स्ट में लैम्डा आ गया, तो क्या करेंगे हम लैम्डा को रिमूव करेंगे और फिर फर्स्ट ऑफ सी निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ सी क्या है, एच है, तो फिर क्या करेंगे, जी और एच दोनों हो जाएगा, और फिर फर्स्ट ऑफ सी में भी लैम्डा आ रहा है, तो फाइनली हम लैम्डा को लिखेंगे। ये पहले आपकी क्लास में बताया जा चुका है, पहले के लेक्चर्स में कैसे ये आया है आपको बताया जा चुका है, एल्गोरिथम बताई जा चुकी है। चलिए फर्स्ट ऑफ एस निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ एस निकालते हैं यहाँ, चलिए पहले इसकी वजह से देखते हैं, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ए क्या है, डी जी एच लैम्डा, ठीक। इसमें फिर क्या आ गया, ए के फर्स्ट में लैम्डा आ गया, तो लैम्डा को नहीं लिखेंगे, फिर फर्स्ट ऑफ सी निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ सी क्या है, एच है, इसमें भी लैम्डा आ गया तो लैम्डा नहीं लिखेंगे, फिर फर्स्ट ऑफ बी निकालेंगे, फिर इसमें भी जी आ रहा है, तो आई थिंक यही होगा इसकी वजह से, डी जी एच, और फाइनली फिर लैम्डा भी आ जाएगा। इसकी वजह से देखते हैं फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच कॉमा लैम्डा, तो एच तो हमने लिखा ही है, लैम्डा हम नहीं लिखेंगे और फर्स्ट ऑफ बी लिखेंगे, लैम्डा को हम भी बाद में आगे ऐड कर देंगे, बी हो जाएगा। और फिर इसकी वजह से अगर हम निकालते हैं फर्स्ट ऑफ बी, ए फर्स्ट ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा, जी कॉमा लैम्डा, जी हमने लिखा है, लैम्डा आ गया तो आगे का फर्स्ट निकालेंगे ए, ए और जो हमारा पहले लैम्डा आया था, दिस इज योर फर्स्ट ऑफ, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट, इसके बाद हम फॉलो कंप्यूट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले हम किसका फॉलो कंप्यूट करें, एस का करें। चलिए फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू, एस आपका देखिए स्टार्ट सिंबल है, तो जिसकी वजह से बाय डिफॉल्ट फॉलो ऑफ एस क्या हो जाएगा, डॉलर अकॉर्डिंग टू दिस रूल। फिर आप प्रोडक्शन के राइट साइड में देखिए कहीं एस है क्या, जी नहीं, कहीं भी एस नहीं है, तो आपका फॉलो ऑफ एस डॉलर सिर्फ होगा। फिर क्या करेंगे, फॉलो ऑफ ए कंप्यूट करते हैं, तो क्या होगा, फॉलो ऑफ ए अगर हम कंप्यूट करते हैं तो प्रोडक्शन के राइट साइड में देखेंगे ए कहां पे है, यहां पे है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी बी, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी बी, फर्स्ट ऑफ सी बी देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ सी आपका क्या है, एच कॉमा लैम्डा, एच को लिखेंगे और लैम्डा को नहीं लिखेंगे, फिर इसमें फर्स्ट ऑफ सी में आपका लैम्डा हो गया, तो लैम्डा को न लिख के फिर आगे बढ़ेंगे, फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी क्या है, जी कॉमा लैम्डा, ठीक। इसमें भी फिर आपका क्या हो गया, बी में भी क्या हो गया आपका, लैम्डा आ गया इस प्रोडक्शन की वजह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B का भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है देखिए आपका लैम्डा, C भी कर रहा था लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ A में क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ S भी यूनियन हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच जी एंड डॉलर। देन नेक्स्ट अब क्या करेंगे, आप फॉलो ऑफ B कंप्यूट करेंगे, फॉलो अप बी कंप्यूट करेंगे, प्रोडक्शन के राइट साइड में देखिए बी कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, चार जगह पे है, तो पहले क्या करेंगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बी के आगे कुछ नहीं है, तो फॉलो अप बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉलो अप एस, इसकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसके आगे भी कुछ नहीं इमीडिएट राइट साइड में, तो फॉलो अप बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉलो अप एस, तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, फॉलो अप एस यूनियन। यहाँ पे देखेंगे इस B के बाद इमीडिएटली राइट साइड में क्या है, A है, जो कि आपका टर्मिनल सिंबल है, तो उसका क्या करेंगे, फर्स्ट, देन फर्स्ट ऑफ A, और फिर एक और अभी B है, ये, तो ये B है, तो इसके बाद का क्या है, C, तो क्या करेंगे, ये फॉलो ऑफ
बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसकी वजह से फॉलो ऑफ सॉरी फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी क्या है एच कॉमा लैमडा, ठीक एच कॉमा लैमडा है तो इसकी वजह से एच लिखेंगे बट लैमडा नहीं लिखेंगे और फिर क्या हो जाएगा सी डिराइव करना लैमडा, ये केस लगेगा ये वाला तो क्या हो जाएगा फॉलो ऑफ ए हो जाएगा, तो यूनियन क्या हो जाएगा ड्यू टू फर्स्ट ऑफ सी एच यूनियन फॉलो ऑफ ए। फाइनली हम कंप्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा फॉलो ऑफ एस डॉलर यूनियन फर्स्ट ऑफ ए यूनियन एच यूनियन फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिला आपको एच जी एंड डॉलर। जब इसका होल यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए एच जी एंड डॉलर, दिस इज योर फॉलो ऑफ बी। ठीक अब आप नेक्स्ट कंप्यूट करेंगे फॉलो ऑफ सी। अब हम जब फॉलो ऑफ सी कंप्यूट करेंगे फॉलो ऑफ सी अगर हम कंप्यूट करते हैं तो देखिए प्रोडक्शन के राइट साइड में कहां कहां पे सी है, एक यहां पे है एक यहां पे है और एक यहां पे है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी यूनियन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा फॉलो ऑफ बी बी, अगर फॉलो ऑफ सी निकालेंगे तो फॉलो फर्स्ट ऑफ बी बी क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ बी बी यूनियन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा सी के आगे कुछ नहीं इमीडिएटली राइट साइड में तो फर्स्ट फॉलो ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉलो ऑफ ए यूनियन हो जाएगा फॉलो ऑफ ए। ठीक अब देखिए फर्स्ट ऑफ बी अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ बी आपका देखिए जी और लैम्डा है, ये हम कंप्यूट कर रहे हैं इसकी वजह से। ठीक तो इसमें जब हमारा लैम्डा आ गया फॉलो अप बी फर्स्ट अप बी तो क्या करेंगे फर्स्ट अप बी आपका क्या है जी एंड लैम्डा, तो क्या करेंगे जी तो लिख देंगे यूनियन क्या कर देंगे फॉलो ऑफ एस कर देंगे फॉलो ऑफ एस यूनियन फर्स्ट अप बी बी फर्स्ट अप बी निकालेंगे बी हो जाएगा यूनियन फॉलो ऑफ ए क्या है फॉलो ऑफ ए कंप्यूट किया हमने यूनियन क्या हो गया है फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू एच जी लैम्डा एच जी सॉरी डॉलर। फिर फॉलो ऑफ एस हमारा क्या है ये आपका जी फॉलो ऑफ एस आपका क्या हो गया यूनियन डॉलर यूनियन बी यूनियन एच जी एंड डॉलर, सबका होल यूनियन लेंगे क्या हो जाएगा एच जी, ये नहीं कहीं आया है क्या एच जी बी एंड दिस इज योर फॉलो ऑफ, आई थिंक ये विजिबल होगा आपके लिए, ये हो गया फॉलो ऑफ सी एच जी बी डॉलर। तो आज हम लोग किसी भी प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाने के लिए हमको फर्स्ट और फॉलो हर किसी भी सिंबल का फर्स्ट और फॉलो हमको आना चाहिए निकालना। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट निकालना सीखा था, आज हम लोगों ने कैसे फॉलो को कंप्यूट करते हैं उसको सीखा। ये इसके कुछ रूल्स थे, तीन केसेस थे और उसके इन केसेस के बेस पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कराए। आई थिंक आप सबका क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपका इन फर्स्ट और फॉलो की हेल्प से हम कैसे प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी एल्गोरिथम देखेंगे और उस पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। उसमें भी हम जब टेबल बनाएंगे टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट और फॉलो की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ तक जो काम किए अब तक लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव करना एम्बिग्यूटी को चेक करना इन स्टेप बाय स्टेप पहले उसको करेंगे, वो चीज़ें नहीं हैं वो तीनों कैसे, देन हम फर्स्ट निकालते हैं देन हम फॉलो निकालते हैं और फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे कैसे हम इस फर्स्ट और फॉलो की हेल्प से कैसे टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।